हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल माया के एक और मोटिवेशन वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि समय आपके अनुसार नहीं है तो घबराए नहीं, विपदा को आपदा में बदलने का प्रयास करें। अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए सपनों का जीना जरूरी है। भाग्य बदलना चाहते हो तो परिश्रम करना शुरू कर दो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा तुम सफलता का रास्ता भटक जाओगे। अगर जिंदगी में हर बार सफल होना चाहते हो तो एक बार सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं, वरना पहले मिली हुई सफलता किस्मत लगने लगेगी। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कितने सवाल पूछे हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेरित होगे, और यदि असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो नए विचार मिलेंगे। जीवन में तभी सफल हो सकते हो जब काम और विषय अपनी रुचि का चुनोगे। मात्र दूसरों की राह पर काम करके दूसरा जैसे बनकर ही रह जाओगे। एक बुद्धिमान विद्यार्थी के लक्षण होते हैं पढ़ना पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे के धक्के का देने का इंतज़ार करोगे तो एक दिन खाई में गिर जाओगे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए धक्का खुद को ही लगाना पड़ेगा। जिसके अंदर विनय का गुण विद्वान है, विद्या वही निवास करती है। यदि आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो आईने में नज़र आ रहे चेहरे से शुरुआत करें। जिंदगी में लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यदि जीवन में हर जगह असफलता हाथ आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप असफल हैं, बल्कि अभी तक आपने सफलता की सीढ़ी नहीं चिंडी। अपने काम को निश्चित होकर करने वाले विद्यार्थी जल्दी ही सफल होते हैं। कल की सोच कर आज का समय और आगे बर्बाद नहीं करना तो चाहिए। भगवान को भी मिलते निरंतर अध्ययन सी तो फिर भी रहना ही एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है। जीवन में कुछ लोग जीत के स्वयं ही देखते रह जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग जागकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। आपके भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि आप कल नहीं बल्कि आज क्या करते हैं। जीवन में अधिक उपदेशों को सुनने से बेहतर है थोड़ा अभ्यास कर लेना। आपकी सफलता की चाल धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जीवन में तभी हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे जब सफलता को सिर पर और असफलताओं को दिल से ना लगाए। जीवन में कभी सरल तरीके से सफलता नहीं हासिल की जा सकती। इसके लिए एक एक सीढ़ी बड़ी सावधानी से चढ़नी चाहिए। विद्यार्थी की विद्या को
कोई चुरा नहीं सकता। जब भी सुनार के जेवरों पर हर कोई घात लगाए रहता है, आपका गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना आपको ही होगा। यदि आप सदैव वही करते हैं जो शुरू से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता है जो आज तक मिलता आया है। यदि तुम जिंदगी को एक खेल की तरह खेलते हो, तो जीत निश्चित है। लेकिन यदि तुम जिंदगी को दर्शकों की भांति जीते हो, तो सिर्फ खुश हो सकते हो, कभी जीत नहीं सकते। जिसके जीवन में उसके लक्ष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, वही अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। किसी भी काम को करते समय सदैव अपना बेहतर दो, क्योंकि तुम जो आज बोते हो वही कल प्राप्त करते हो। जितनी बड़ी सफलता होगी, उसके लिए उतना बड़ा प्रयास करना होगा। यदि दिमाग से जवाब मिलना बंद हो जाए, तो दिल की सुनिए कि आखिर वह अपने जीवन में क्या क्या बनाना चाहता है। जिंदगी उस हरेक को मौका देती है जो गिरकर उठने का दम रखते हैं। व्यक्ति में ज्ञान और अहंकार घटता बढ़ता रहता है। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, उसके पास उतना ही कम अहंकार होगा। यदि जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो बड़ा सोचने के लिए तैयार रहो। विद्यार्थी जीवन में मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही आपकी संगति का निर्धारण किया जाता है। ईश्वर अपने उन्हीं बच्चों की परीक्षा लेता है जिनको वह लायक समझता है। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो रास्ते खुद बनाएं। दूसरों के रास्तों पर चलकर सिर्फ प्रेरणा मिल सकती है, सफलता नहीं। विद्यार्थी जीवन में बड़ों का सम्मान करना अति आवश्यक है, अन्यथा बिना बड़ों के मार्गदर्शन के आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर विद्यार्थी जीवन में आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु है, तो वो है आपके भीतर का आलस्य। यदि समस्या है, तो समाधान भी होगा। जरूरत तो सही तरीके से सोचने और समझने की। विद्यार्थी को सदैव खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरों पर विश्वास करके आप स्वयं को धोखे में डाल सकते हो। विद्यार्थी जीवन से शुरू होते हुए सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति को सामने वाले को व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे सुई का काम तलवारें नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, यदि आपने कल जितना किया उससे अधिक आज करते हो, तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कहने से पहले सदैव अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करें। हम भी तो वही नहीं जिससे हमें आपत्ति है। विद्यार्थियों के लिए विद्या ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। जीवन में यह तय आपको करना है कि आपको नौकरी पैदा करनी है या स्वयं करनी है। अपने बीते हुए कल को याद करके आने वाले कल को बर्बाद ना करें। जो विद्यार्थी अपने जीवन में सदैव आशावादी रहते हैं, वही जीवन में सफल हो पाते हैं। विद्यार्थी के पास ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है।
उसके लिए उसे किसी अन्य ताकत को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये मोटिवेशनल वीडियो समाप्त होता है। आप सभी मित्रों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल माया को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।